सीटी मैं सीटी। चलो सब मिलकर खेलें खेल, बन जाओ सब मिलकर रेल। गाड़ी की सीटी मैं सीटी। गाड़ी की आवाज भी देती। आओ मिलकर खेलें खेल, रेलम रेल रेलम रेल। छोड़ो मेरी फ्रॉक, मेरे पापा शहर से लाया। अरे बेटा तुम्हें क्या हो गया, ऐसी बातें नहीं करते। आज तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो? इसको अपनी फ्रॉक नहीं छोड़ने देंगे, मेरी फ्रॉक गंदी हो जाएगी। बेटा चीजें तो होती ही इस्तेमाल के लिए हैं, गंदी होगी तो धुल के फिर साफ हो जाएगी। इस तरह से लड़ाई नहीं करते ना। चलो अच्छा बैठो तुम सब लोग, आज हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है घमंडी का बाग। जल्दी जल्दी बैठो, छोटे छोटे बच्चे आगे, बड़े बड़े बच्चे पीछे। तो एक गांव में एक घमंडी रहता था। कौन रहता था? घमंडी। हाँ, उसका एक बहुत बड़ा बाग था। क्या था? बहुत बड़ा बाग था और बहुत सुंदर बाग था। उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते थे। फूल देखे हैं तुम लोगों ने? देखे है ना? तो उस बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते थे और बहुत सारी चिड़िया भी आती थी वहाँ पे हैं, और खूब सारे बच्चे उस बाग में खेला करते थे। हरा समुंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली कितना पानी। हरा समुंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली कितना पानी। हरा समुंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली कितना पानी। पैर बराबर इतना पानी, पैर बराबर इतना पानी। हरा समुंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली कितना पानी। तो एक बार क्या हुआ, उस घमंडी ने उन बच्चों को वहाँ पे खेलते हुए देख लिया और वो खूब गुस्सा हो गया। उसने कहा ये मेरा बाग है और यहाँ पे कोई नहीं खेलेगा, और उसने सब बच्चों को वहाँ से भगा दिया। यहाँ हम सब कितने खुश हैं। हरा समुंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली कितना पानी। हरा समुंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली कितना। अरे कौन है? है? कौन है हमारे बाग में? भागो भागो घमंडी आ गया। ए, तुम सब एक क्या कर रहे हो? ए, भागो यहाँ से। भला बताओ, ये सिर्फ मेरा बाग है, है? मैं इसके चारों तरफ चार दीवारी बनवा दूंगा, बाग के बाहर लिखवा दूंगा बोर्ड में, बाग में आना सख्त मना है। भला समंदर गोपी चंदर। और उसने सब बच्चों को वहां से भगा दिया। उसने खूब डांटा उन बच्चों को, बच्चे भाग गए डर के मारे। फिर उसने उस बाग में दीवार खिंचवा दी, बहुत ऊंची ऊंची दीवार। बन गई दीवार, खड़ी हो गई दीवार, अब नहीं आ पाएंगे कोई बच्चे। मजा आ गया, दीवार तैयार हो गई, दीवार खड़ी हो गई, कोई नहीं आएगा, मेरा बाग है, मेरा बाग है। अरे बाप रे। अब क्या हुआ, अब उस बाग में कोई बच्चा नहीं आता था, हवा भी नहीं आती थी, है? तो क्या हुआ कि सब जगह बसंत आया, लेकिन उसके बाग में बसंत नहीं आया। हवा भी नहीं आती थी, चिड़िया भी नहीं आती थी, और फूल भी नहीं खिलते थे। अरे ओला पड़ रहा। अरे लकड़ी जलाओ, अरे कोई लकड़ी जलाओ, अरे बाप रे, इतना बड़ा बड़ा ओला। वो बहुत परेशान हो गया, उसे समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूं। फिर उसने बहुत सोचा, बहुत सोचा। उसने कहा मैंने ऐसी क्या गलती की जो मेरे बाग में अब फूल ही नहीं खिलते हैं, अब चिड़िया भी नहीं आती हैं, हैं, और बसंत भी नहीं आ रहा है।
बसंत तो आ गया, अब हम कहाँ खेलेंगे, दीवार उठी है। बसंत आ गया, बसंत का मौसम आ गया, ओ मेरे बाग भी बसंत आएगा, ओ मेरे बाग भी बसंत आएगा, जरूर मौसम बदलेगा, जरूर मौसम बदलेगा। अरे छोटू, तुम मुझे छूना चाहते हो? अरे छोटू, तुम मुझे प्यार करना चाहते हो तो मैं झुक सकता हूँ? मैं अपनी डालियों को और नीचे झुकाता हूँ। फिर उसने अपने बाग की सारी दीवारें गिरवा दी और उन बच्चों को दोबारा बुला के लेके आया और उन बच्चों के साथ खेलने लग गया। मैं कितना खराब व्यक्ति हूँ, अब मुझे पता चला मेरे बाग में बसंत क्यों नहीं आया। मैंने अपने पेड़ों को पहले बच्चों से अलग कर दिया, बहुत बड़ी गलती की। मैं बच्चों के लिए ये बाग की दीवार गिरा दूंगा। काका काका, तुम कितने अच्छे हो। अच्छा तो तुम सबका प्यार है बच्चों, जो पेड़ पौधों को भी नया जीवन दे देता है। आओ हम सभी एक साथ खेलें। हरा समुंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली कितना भारी, हरा समुंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली कितना पानी, हरा समुंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली कितना पानी, कमर बराबर इतना पानी, कमर बराबर इतना पानी, कमर बराबर इतना पानी। तो इसीलिए कहते हैं हमें अपनी चीजों का घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? सबको मिल बांट कर खेलना चाहिए, अपनी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना? आपसे इस कहानी से जुड़े हुए प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है? तो बताओ, बच्चे घमंडी को देखकर क्यों भागे? क्योंकि बच्चों को डांट दिया। हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि घमंडी बच्चों को बाग में खेलता देखकर बहुत नाराज हो गया था और उसने उन बच्चों को डांट कर भगा दिया था। अच्छा, घमंडी के बाग में फूल क्यों नहीं खिले? हाँ, क्योंकि घमंडी ने अपने बाग को चार दीवारी से घिरवा दिया था, जिससे बाग की हवा रोशनी सब बंद हो गई और उसके पेड़ों को बच्चों का साथ मिलना भी बंद हो गया, इसलिए उसके बाग में फूल नहीं खिले। अपनी भूल महसूस होने पर घमंडी ने क्या निश्चय किया? मैं अपनी दीवार तोड़ दूंगा और बच्चों को बुला के खिलाऊंगा। बिल्कुल सही, उसने निश्चय किया कि मैं अपनी दीवार को गिरवा दूंगा। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने चार दीवारी गिरवा दी और बच्चों को बुला के लाया और उनके साथ खेलने लग गया। तो घमंडी ने बच्चों को सबसे सुंदर फूल क्यों कहा था? हाँ सही कहा, क्योंकि घमंडी ने बच्चों को सबसे सुंदर फूल इसलिए कहा क्योंकि बच्चों के बाग में पुनः खेलने से बाग में रंग बिरंगे फूल फिर से खिलने लगे थे और उसके बाग में बसंत आ गया था, है ना? सुंदर सुंदर चिड़िया आ गई थी, सुंदर सुंदर फूल खिले थे, इसलिए उसने बच्चों को सबसे सुंदर फूल कहा।